पर मैं दोबारा फ़ोन, रात में फ़ोन का वेट कर रही थी, मुझे कहते हैं दोपहर को फ़ोन, सुबह जाते वक्त इन्होंने मुझे बोला बदराव से मिलो मुझे सासे खुदा साहब, उसके ऑफिस जाते हुए मुझे फ़ोन करते थे, मैं शन पात पाते कि बस इस पर आना दोपहर तक नहीं कर, मैं वापस गई फ़ोन, मगर मैं उन्होंने फ़ोन की ना मैं को लग चीज़ें फ़ोन तुम ना जैसे पता ये लोग कैसे सब लोग तुम्हें ज़्यादा सो लोग दोपन ज़्यादा चुस लोगों गि गई सारी बस गि द्राम बस मालने वे मे डिलवरी बस मालने मे ठन रतन कूर खाली ठन रतन कूर से वन चुन मे तीन वन वन पाई ना मोल क्या गो मोज क्या गई मे कम ये कूर कम मे शाम तई क्या दलील तुम्हें मे सर्जरी चलान दपा बह वा क्या सर्जरी चलान मगर मे वो ये दलील ग मे शाम बूजमुत फोन सारी चलान मे तमें वज बूजमुत चूर चलम मगर मे तम बगर कहीं पता। अमीर इरशाद में आप सबका खैर मकदम है, मैं हूँ शगुफ्ता रशीद। कल हमने आपको दिखाया जो यहाँ पे कुंजवेरा चाडरा इलाके में यहाँ पे जो दिल दहलाने वाला वाक्या पेश आया था, आज उसी सिलसिले में यहाँ के मुकामी बाशिंदों ने एहतजाज दर्ज किया है। इनकी यही डिमांड है कि जो यहाँ पे दिल दहलाने वाला वाक्या पेश आया था, जो मुलजिम है उसको जल्द से जल्द सजा मिले, ताकि इनका जो इनकी छोटी बच्ची भी है जो महज छः महीने की बच्ची है उनको इंसाफ मिले। मुझे कहते हैं दोपहर को फोन, सुबह जाते वक्त इन्होंने मुझे बोला बदराव से मिलो मुझे सासे खुदा साहब, उसके ऑफिस जाते हुए मुझे फ़ोन करते थे, मैं शन पात पाते कि बस इस पर आना दोपहर तक नहीं कर, मैं वापस गई फ़ोन, मगर मैं उन्होंने फ़ोन की ना मे को लग चीज़ें फ़ोन तुम्हें जैसे पता ये लोग कैसे सब लोग तुम्हें ज़्यादा सो लोग दोपन ज़्यादा चुस लोग गि गई सारी बस गि द्राम बस मालने वे मे डिलवरी बस मालने मे ठन रतन कूर खाली ठन रतन कूर से वन चुन मे कहीं वन वन पाई ना मोल क्या गो मोज क्या गई मे कम ये कूर कम मे शाम तई क्या दलील तुम्हें मे सर्जरी चलान दपा बह वा क्या सर्जरी चलान मगर मे वो ये दलील ग मे शाम बूजमुत फोन सारी चलान मे तमें वज बूजमुत चूर चलम मगर मे तम बगर कहीं पता बस ये कौर तम मिले सजा तम गजा दिन बह पा तमिस पान दपस अगर तेम कह करे ना कत सन्स दब सन्ज पलव चटज मार दीज मगर यह क्या कर्स यह क्या कर् ऐम सिंह मौसम जवानी हार बेचमुत हॉन्ड एमटी बस वन गंसाफ मिल मेस बच्चस गंसाफ मिल बच्चे मे यम गो मे यम मे रात सुबह तमु द्राव सह मे मा पता मे तमु हमेश खतर द्राव सह मे पता मे तमु हमेश ये बच्चे वह सुबह बच्चे वह सुबह दोपन यह करो शारी शंग मे तूत कल करार यूत कल ना अमी वन मगर तुम वो क्या कोरुक तुम वो क्या कोरुक सह सी वातान फादरस मदर बेन वातान मे वातान सारे असल ट्रैफिक तो शफी वापस उस वन मगर मे तर फिक्र तम क्या करे इन तम कौर तमिस ये बस वन तमिस पा बहुत दपस अगर तम क्या करे नुन अमिस गई खतः ऐसी थापियर ऐसी जंगि दब नर सज दब जंग नर पुटरस मगर यह क्या कर्स यह तर सोच फिक्र यह तम जान बूझ कर्मुत अमिस मे दी तो इंसाफ मेस बचस दी तो इंसाफ अस दी तो इंसाफ अस फुटरो कम्बर मे दी तो इंसाफ बस रात पे खत्म गमस बस खत्म गम मे कम सूर अस खाली गमित वे अर्दा रेत खानस तथ पे मे दह रेत वन गमित माल क्या मे डिलवरी गम बस ना वो गर तम कहीं मे रेत ब्रोट वुचमुत मे दी तो इंसाफ मे दी तो इंसाफ मे गौर मानन सूर तमिश वन खानर पलव तान इत कटी यम तमिस लागन अं मज नम मे रेत ब्रोट वुचमुत मे दी तो इंसाफ मेहरबानी कर दी तो मे इंसाफ मे बह क्या वन अम ज्यादा मे दी तो इंसाफ मेस तमिस बचस दी तो इंसाफ मे दी तो तमिस इंसाफ मेस कैसर सबस दी तो इंसाफ बस वन मे दी तो तमिस इंसाफ मे तमिस मौसम जवानी सह मे वापस कंस वन अगर बह तमिस हथ कथ यो वन सोने कह पर्व सहल पत् कर वापस बे फोन
مگر سُہ اوس نہٕ مےٚ اَمہِ مِزازُک کہِ سُہ کَرِہا کٲنٛسہِ سۭتۍ کیٚنٛہہ. مےٚ چھُنہٕ تَران فِکرِ یِمو کیٛازِ چھُ یہِ کوٚرمُت, أمۍ کیٛازِ چھُ جان بوٗجھ کہِ أمِس کوٚرمُت تہٕ کیٛاہ وجہ چھُ گوٚمُت. مےٚ چھےٚ صرف یُتُے پَتہ, بہٕ چھَس بوزان لُکَن نِش کہِ چوٗز چھِ ژٕنمٕژ. مےٚ چھَنہٕ تہِ پَتہ تٔمۍ کِم ژھٹہٕ آسنَم تَمہِ وِزِ کَرِمَژٕ. مےٚ چھَنہٕ تہِ چھَم نہٕ مےٚ کِہیٖنۍ نہٕ پَتہ. بہٕ چھَس یَژھان وۄنۍ زانُن تٔمِس نِش کہِ أمۍ کیٛاہ کَرے تٔمِس, تہٕ مےٚ دیٖتو اَتھ کَتھِ جواب کہِ أمۍ کیٛاہ کَرے. مےٚ دیٖتو اِنصاف, مےٚ دیٖتو مہربٲنی کٔرِتھ اِنصاف, میٛٲنِس بَچَس دیٖتو اِنصاف. जैसा आप सबको पता है कि कल एक सानिया पेश आया हमारे गांव का, एक नौजवान बच्चा जिसको कत्ल किया गया नसुल्लापुरा के इलाके में, उसकी पोस्टिंग थी बड़गाम में, जैसा सब आप लोगों को पता है. आज हम इस वक्त यहां पे इसलिए खड़े हैं ताकि जो उनके घर वाले हैं, जो उसका लाभकिन है उसके, उनको हम ये मैसेज दें कि हम इस मुसीबत की घड़ी में आपके साथ हैं. पहले तो हम उनको इजहार यकजहती उनके साथ, इस मुसीबत में हम उनके साथ हैं, हम जो गाँव वाले हैं, हम जो सारे इलाके के यहाँ के लोग हैं, तो हम उनके साथ हैं. इस वक्त हम उनके साथ खड़े, उनके साथ जो जुल्म हुआ हम उस मज़लूमियत में हम उनके साथ हैं. उसके बाद हमारी जो आज हम कुछ मुआज़ज़ीन गए थे एस एच ओ बड़गाम के थाने में गए थे हम, तो वहाँ पे डीएसपी साहब हमें मिले, तो उन्होंने हमें यकीन दहानी दी कि इस केस की हर जड़ को वो खंगाल लेंगे, कहाँ से ये शुरुआत हुई है, ये प्लानिंग कहाँ की थी इस कातिल ने इस बच्चे को कत्ल करने की, इसके वजूहत क्या थे. तो उसकी यकीन दहानी के बाद हम वहाँ से वापस आए तो एसएचओ आफ्ताब साहब ने, जिसने कल भी भरपूर ताउन दिया था हमें, और आज डीएसपी साहब वो खुद इस केस को मॉनिटर कर रहे हैं. हमें पूरा भरोसा है JKP पर, जम्मू कश्मीर पुलिस पर हमें पूरा भरोसा है. उन्होंने कल ही दबोच लिया था उस कातिल को, और उसके साथ जो क्राइम पार्टनर्स हैं उनको भी तकरीबन उन्हें हिरासत में रखा है, और उनके साथ जो लीड सारी हैं वो उन्होंने कहा कि हम कुछ समय में, कुछ लगेगा टाइम उनको. वो हमें पूरा भरोसा है पुलिस पे, जम्मू कश्मीर पुलिस पे, खासकर हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस पे, तो वो पूरा हमें इत्मीनान है कि वो इस केस की जो जड़ हैं उस तक पहुंचेंगे. और उसके बाद हमने डीएसपी साहब को भी बताया कि एक ऐसा चार्जशीट तैयार किया जाए, एक ऐसा चार्जशीट जिसमें कोई लूप होल ना हो, ताकि इस कातिल को सज़ा मिले. और उसके बाद हमारी मुतलिका हुकाम से गुजारिश है कि चार्जशीट जब पेश हो कोर्ट में, उसके बाद फास्ट ट्रैक बुनियाद पर इस केस की सुनवाई हो, ताकि सज़ा इस जो ये मुजरिम है इसको सज़ा मिले, और जो क्रिमिनल्स हैं उनको शिवर्स डाउन द स्पाइन हो जाए उनको, ताकि जो ये हमारी सोसाइटी में पनपते क्रिमिनल्स हैं उनको पता चले कि नहीं, अब वक्त आ गया है जब उनके क्राइम्स को सज़ा मिलेगी. उनको जो भी क्राइम करने का सोचेगा उसको ये पता चलना चाहिए कि क्राइम करने से पहले ही उसको पता चलना चाहिए कि इसकी सज़ा मिलेगी. बस इसीलिए आज हम यहाँ पे हमने पुरामन प्रोटेस्ट किया. हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं, और JK पुलिस और SHO साहब जो SHO बड़गाम जो थे, हम उनके साथ हैं इस तहकीकात में. जहाँ पर भी उनको ज़रूरत पड़ेगी, हमने मुअज़्ज़िन ने किया था, हम उन्हें कहा कि बिल्कुल हम उनके साथ कांटेक्ट में रहेंगे. इसलिए मैं मीडिया वालों का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार, उन्होंने भी हाईलाइट किया. और एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा, जो मीडिया होता है ये आईना होता है सोसाइटी का, जो ये दिखाएंगे सोसाइटी वैसी ही दिखेगी. और कल की जो आज भी सर्कुलेट हो रही है वो न्यूज़ कि भाई ने भाई को कत्ल किया, उसकी हम निंदा करते हैं कि जो भी जिसने भी वो किया, हमने डिफेमेशन केस भी उसके लिए हम तैयार कर रहे हैं. जो भी उसका कल्प्रिट था जिसने वो किया था, हमने गाँव में हमने मुअज़्ज़िन ने मशवरा किया, एक डिफेमेशन सूट उसको हम फाइल करेंगे, क्या कि उसने जो सोसाइटी में जो गलत उसने एक तस्वीर पेश की सोसाइटी की, हमारे विलेज की हैं, तो सारे कॉर्नर से हमें कॉल आ रही हैं कि ये क्या हुआ वहाँ पे. इसलिए पहले मीडिया जो है, ये मैंने पहले कहा, आईना होता है सोसाइटी का, जो ये दिखाएंगे सोसाइटी वही देखेगी. मेरी आप सबसे गुजारिश है, आपके माध्यम से और भी जो जर्नलिस्ट हैं उनसे गुजारिश हैं कि वो मामले की जाँच करें, उसके बाद पोस्ट करें, उसके बाद आगे बढ़ाएँ. बहुत बहुत शुक्रिया जी. बिल्कुल, उन्होंने कहा कि इसमें जो सारी लीड्स हैं वो हम देखेंगे, जो क्योंकि ये प्राइमरी अभी चल रही है, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ज़्यादा वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते ताकि कोई एविडेंस ज़ाया ना हो जाए. इसलिए उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल लगे हुए हैं उस पर. DSP साहब का ने कहा कि SP की जो एडवाइस है उसके साथ वो खुद ही मोनिटर कर रहे हैं उसको केस को, और हम मुतमइन हैं उस बारे में, और हम बिल्कुल सेटिस्फाई हैं उस बारे में कि इस केस को वो अपने लॉजिकल एंड तक पहुँचाएंगे इंशाल्लाह. You are on duty, boss.
किलोमीटर दूर पुलिस क्या दफर ओर गिरफ्तार जंगल तो जो मारत तुम क्या मुतालबा सजा मिल इंसाफ गलक वे अमस जानी ना नाव पता अड़